हेलो दोस्तों, डाउटनेट पर आपका स्वागत है। अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ अपने बायोलॉजी के भी डाउट को क्लियर कर पाओगे, वो भी डाउटनेट के साथ। इसके लिए आपको करना क्या है, इस डाउटनेट नामक ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आपको इस डाउट वाले ऑप्शन पर, डाउट वाले फंक्शन पर क्लिक करना है, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो उसकी आपको फोटो खींचना है। जैसे ही आप फोटो खींचेंगे तो इसके बाद आपको वही क्वेश्चन क्रॉप कर देना है। ध्यान रहे, आपको क्वेश्चन नंबर तक नहीं आना चाहिए, ओनली क्वेश्चन आपको क्रॉप करना है। ऐसे इसके बाद इस फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक करते हो तो आपका जो वीडियो सोल्यूशन है वो कुछ ही सेकंडों में आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे आ चुका है। हाय दोस्तों, अगर आप मैं आप आज आपको बता दूं, अगर आप 2021 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 90+ लाना चाहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपने 2020 में भी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है तो भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि जो आपके यहाँ पेपर मिला था, जो पेपर सेट आया था, वो इससे ईजी था या इससे टफ था। क्या आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया था या नहीं कर पाए थे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इस वीडियो का मकसद मेरे ये है कि मैं इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा, ना कि सॉल्व करके दूंगा। एक भी से मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर इसके बारे में आप पैटर्न जानना चाहते हैं कि 2021 में कैसा पैटर्न आया था, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होता है। 2020 में जो मॉडल पेपर है इसकी बात करें तो ये 2020 का है। ये जो 302 ZL ये जो दिया होता है, ये कोड, पेपर कोड, इसे आपकी कॉपी में सही सही भरा होना चाहिए। यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम डालना होता है। इसके बाद आपको समय जो होता है वो 3 घंटे का होता है, और जो पूर्णांक होता है आपका वो 100 मार्क का होता है। तो इसमें क्या होता है, 15 मिनट आपको एग्ज़ाम जो पेपर दिया जाता है इसे पढ़ने के लिए होते हैं। इसके बाद ये निर्देश में आपको 2-3 निर्देश मिल जाते हैं जिन्हें आपको अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। इसके बाद जो नंबर एक क्वेश्चन होता है, इस पर आपकी क्या होता है, इस पर आपको दिए जाते हैं 4 विकल्प, जिसमें से एक आपको चुनना होता है कि कौन से लेखक की जो रचना लिखी हुई है ये है। इसी प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको 200 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। अगर आप उन्हें प्रिपेयर कर लेते हैं तो शायद उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उन क्वेश्चन को बहुत चुनिंदा अपलोड किया था। अब देखिए यहाँ पे भी आपको क्या है, क्वेश्चन दिया गया है। अब इसका भी आपको क्या करना है, सिंपल से वो बस इसे आपका विकल्प लिख देना है, क्वेश्चन कौन सा, और इसके बाद विकल्प और ये आंसर लिख देना है, पूरे मार्क दे दिए जाएंगे। इसके लिए पहले क्वेश्चन में 5 अंक आपको दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी यही हालत होती है, फर्स्ट क्वेश्चन गद्य का होता है और सेकंड क्वेश्चन पद का होता है। इस पद में भी 5 अंक आपको देखने को मिल जाते हैं, वो भी 5 क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक गद्यांश देखने को मिल जाता है। इस गद्यांश में एक गद्यांश गद्य का होता है और एक पद का होता है। सबसे गुड न्यूज आपके लिए, सबसे बड़ी गुड न्यूज यही होती है कि इसमें एक नहीं 2 पैसेज देखने को मिल जाते हैं अथवा करके, जिसमें से आपको एक ही करना होता है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि इसको अगर आप इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे तो इसके 4 क्वेश्चन का आप सही सही जवाब दे पाओगे, बट 1 क्वेश्चन का नहीं दे पाओगे। पूछो क्यों, क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन का जवाब आप तब दे पाओगे जब इस पाठ को आप जानते होंगे कि किस लेखक ने लिखा है और इस पाठ का क्या नाम है जिससे यह पैराग्राफ हमारा रखा गया है। तो अगर आप जानते हैं तो उस क्वेश्चन को कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। अब ये नेक्स्ट अथवा में देखिए, यहाँ पे अथवा में 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जो आपको आ रहा हो उसी के जवाब आपको छांट के लिखने होते हैं। आपको 10 मार्क में से 9 मार्क या 8 मार्क प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। पूरे के पूरे मार्क जल्दी से नहीं मिलते क्योंकि हिंदी में राइटिंग के नंबर भी कट जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी वही कंडीशन होती है कि एक पद्य का एक सारांश दिया होता है, इसे आपको पढ़ना होता है। पद्यांश दिया होता है, इसे आपको पढ़ना होता है। इसके दिए गए नीचे क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। तो इस वाले जो सेट था, इस पर यह आया था निरख सखी ये खंजन आए। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए देखो सावधान मनुष्य, ये क्या है दोस्तों, ये अथवा में दिया गया है, तो अगर आप इसे करना चाहते हैं तो इसे कर दें, इसे करना चाहते हैं तो इसे कर दें, बट दोनों को ना करें वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जीवन परिचय जो है आपका, जीवन परिचय यहाँ पे इंटर में नहीं आता, हाई स्कूल में आता है। तो यहाँ पे क्या आता है, साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय अगर आपने मतलब नहीं जानते साहित्यिक परिचय क्या है, तो ये सारे के सारे जितने यहाँ पे दिए गए हैं ना, इनके सभी के वीडियोज मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर
सा देख लीजिए, 5 अंक का होता है साहित्यिक परिचय, जिसमें से आपको 3 या 4 मिनट ही लगते हैं और आपको 5 अंक बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और इन जीवन और साहित्यिक परिचयों में नंबर जल्दी से काटे नहीं जाते, क्योंकि इनका जो जीवन और साहित्यिक परिचय होता है वह लगभग सही होता है। ठीक है, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, इनमें से आपको क्या है, बस आपको इसमें जन्म और तिथि वगैरह और नेम सही साठ लिखने होते हैं। इसमें क्या है, 4 कहानियां हैं, आपको किसी एक कहानी का उद्देश्य लिख दें या फिर कोई कहानी लिख दें। उद्देश्य छोटा होता है और कहानी का सारांश बड़ा होता है। ज़्यादातर मैं आपको गेस करूँगा कि आप सारांश की ओर भागें ना कि कहानी की ओर। ठीक है, इसका 7वां होता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे दिए जाते हैं अथवा अथवा करके, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो इनमें से आपको सब नहीं करना। मान लीजिए जहाँ पे जो चलता है वही करना होता है, और आपके स्कूल में बताया जाता है कि हमारे यहाँ कौन सा नाटक चल रहा है, कौन सा खंड काव्य चल रहा है स्वपठित। स्वपठित का मतलब क्या है, जो जिसे आपने, स्वपठित का मतलब यही है कि जिसे आपने स्वयं पढ़ा हो। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे रस्म रथी दिया गया है जो कि यहाँ पे चल रहा है जहाँ पे मैं हूँ। अब देखिए ये रस्म रथी हो गया, यहाँ पे आपके मान लीजिए त्याग पत्र चल रहा है, जो भी चल रहा है आप उसे लिख दें। इसका हम सेकंड पेपर पे यहाँ पे आ जाते हैं, इसी में एक सेकंड पेपर मान लीजिए इसे खंड का में क्या होता है, 2 आपको इसमें भी गद्यांश दिए होते हैं, इसमें आपको संदर्भ व्याख्या करनी होती है, संदर्भ लिखना होता है, फिर इसके बाद व्याख्या भी इसकी लिखनी होती है। यहाँ पे खुद क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश संदर्भ गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, यानी कि संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है। यहाँ पे 2 दिए जाते हैं गद्य के और 2 मतलब क्वेश्चन 2 दिए जाते हैं, तो इनमें से एक करना होता है, और खंड खा होता है, इसमें से भी श्लोक दिया जाता है, इसमें से एक को आपको करना होता है। ये आपका गद्यांश होता है और ये आपका पद्यांश होता है। इसके बाद व्याकरण से थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, देखिए जैसे अपना उल्लू सीधा करना, ये सारे के यहाँ पे दिए गए हैं, घी के दिए जलाना, ये क्या है, ये है आपके मुहावरे जो कि आपको इसमें से एक करना है, वाक्य प्रयोग भी लिखना है, मैंने किस प्रकार लिखना है इसका वीडियो अपलोड कर दिया है आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे संधि विच्छेद आपको करना होता है। इस वीडियो का मकसद था इस पेपर को दिखाना, ये मैंने आपको बहुत बार एग्जाम करवाया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर नायका, अगर आपने वहाँ पे मेरी सभी वीडियोज देखते रहे हैं और 2020 में पेपर दिए हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे देखिए व्याकरण थोड़ी सी दी होती है, यहाँ पे व्याकरण भी आपको करना होता है, मैंने यहाँ पे आपको पूरा पेपर दिखा दिया। निम्नलिखित वाक्यांश का शब्द चयन करना होता है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझने या सीखने को मिला हो, यहाँ से अलंकार देखने को आपको मिल जाते हैं, लास्ट में आपको 9 नंबर में एक निबंध लिखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है, 9 मार्क आपके निबंध से मिल जाते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, और हमारे सेकेंड चैनल को